नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, इनका सम करना है, डिवाइड करना इनके सम को और बाय देयर प्रोडक्ट। देयर मतलब इसी की बात हो रही है। ओके, किसकी बात हो रही है? ये जो वैल्यूज दी हुई है इन्हीं की, बाय देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर सम मतलब इसको ऐड करना है। ये आपको पता है। अब इस क्वेश्चन में पहले देखें कि क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किसको? ये बाय बताएगा, किस किस को, यानी यहाँ जो वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना। डिवाइड करना है बाय। बाय वर्ड आपका डिफ्रेंशिएट करेगा, अलग अलग बताएगा कि कौन सी वो दो वैल्यूज होंगी। तो बाय के इधर फर्स्ट वैल्यू, बाय के इधर सेकंड वैल्यू, इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहले या तो बेसिकली वो चाहता है कि इनका सम हो जाए, और उस इनके सम को डिवाइड करना है बाय देयर प्रोडक्ट, इस तरह से। ओके, या तो आप इसी तरह एक स्टेटमेंट बना ले, या फिर सेपरेटली आप पहले आप सम निकालें। सम है 5/6 और -4/5। पहले आप इनका सम निकाल लो, तो कितना आता है, 5 6 30, 5 5 25, डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहां से 25 -24/13, तो 1/30 आया। और प्रोडक्ट आप अलग से निकाल लें, ये भी आप कर सकते हैं, या फिर साथ साथ आप इस इक्वेशन में आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्रोडक्ट हमने निकालेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 2 के टेबल से ये कैंसिल, तो -2/3। तो ये हमारा सेपरेटली सम और प्रोडक्ट आया। अब आप नेक्स्ट लाइन में डिवाइड कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/30 डिवाइड में -2/3, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब मैं इस इक्वेशन में सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर आया, सम का रिजल्ट आया 1/30, जिसको आपने डिवाइड करना है -2/3 से। प्रोडक्ट आया था हमारा -2/3। आप इसको सॉल्व करेंगे सेपरेटली, साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो 1/30 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/-2, 10। तो रिजल्ट आया 1-20 और 1-1/20। तो दिस इज आवर आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मेन है कि जो इक्वेशन है, जो स्टेटमेंट है, उसमें किस किस दो वैल्यूज की बात हो रही है, जिनको आपस में आपने डिवाइड करना है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना।